अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में बहुत ही आसान, ज़बरदस्त और पावरफुल नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है जिन लोगों को आदत हो गई है किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी केमिस्ट की दुकान से कोई टेबलेट, मैनफोर्स या वाइग्रा लेने की, कोई बाम, कोई क्रीम या कोई स्प्रे। बिना क्रीम, स्प्रे या गोली के ये लोग हम बिस्तरी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है इन्हें, और इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़बरदस्त होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक बार अगर इंसान इसका सेवन करना शुरू कर देता है तो फिर वो करता ही रहता है। आइए मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जिसे आप हम बिस्तरी से एक घंटा पहले अगर ले लेते हैं तो उसका ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और पावर ऐसी होगी कि आप इन सब चीज़ों को भूल जाओगे। साथ ही साथ ये मुस्तकिल पावर होगी, परमानेंट पावर होगी आपके अंदर, परमानेंट ताकत हो जाएगी आपकी और आपकी टाइमिंग में बढ़ोतरी होगी। तो करना क्या है दोस्तों इसमें, आपने सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएँ जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन बावक्त मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है, हमारी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं परहेज़ का ख़ास ख्याल रखें, गलत कार्यों से दूर रहें, खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, फास्ट फूड और तली भुनी चीज़ों से दूरियां बना ले तो बेहतर रहेगा क्योंकि ये हमारे निज़ाम हज़म को ख़राब करती हैं और जिन लोगों का निज़ाम हज़म ख़राब रहता है फिर कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाता। जिम जाएं या जॉगिंग करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और खून जिस्म के सभी हिस्सों में पहुंचता है जिससे हमारी मादा मनी बनती है, गाड़ी भी होती है और साथ ही साथ रुकावट में इजाफा होता है, टाइमिंग में बढ़ोतरी होती है। आइए दोस्तों चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपने क्या करना है, नुस्खे में आपने 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लेना है, कद्दूकस से उसे बारीक कस लें, 2 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कस लें। फिर आपने लेना है एक देसी मुर्गी का अंडा, देसी मुर्गी का अंडा ले लें, उसकी जर्दी अलग कर लें और सफ़ेदी अलग कर लें। जर्दी के ऊपर आपने इस कसे हुए अदरक का रस, जितना भी रस आप इसमें से निकाल सकें उतना रस आपने जर्दी में मिला लेना है एक बाउल में करके। फिर उसके बाद इसमें मिलाना है आपको 1/2 चम्मच शहद। करने से 1 घंटा पहले आपने इसे पी लेना है और उसके बाद आप देखें कि आपकी ताकत और कुव्वत में बेपनाह इजाफा होगा, आपकी शक्ति ज़बरदस्त होगी और ये इंशाल्लाह अगर आप चंद दिनों इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप मुस्तकिल ताकत आपके अंदर आ जाएगी, फिर आपको किसी दवा, किसी बाम, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है आपसे, बशर्ते आपने इसे इसी तरह लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।